हाँ वैसे बहुत आला कलेक्शन है और आइडिया भी बहुत जबरदस्त है, और फाइनेंस का काम भी बाद में देख लेंगे। गुड है, मेरे ख्याल में वी आर गुड। यास्मीन तुम क्या सोच रही हो? क्या कहा? यास्मीन क्या तुम सुबह सुबह फोन पर लग गई हो? क्या तुम अपने फोन पर कोई खुफिया काम कर रही हो? मजाक ना करो, सीरियस मसला है। क्या हुआ, अभी तक मैसेज नहीं आया? किससे? प्राइवेट बात है हमारी। स्माइल। कोई जवाब नहीं आया, कॉल भी नहीं की, इंतजार में हूं। तुम अपना दिल छोटा मत करो, मतलब तुम सीरियस ना लो इसको। जिसको जितना भी सीरियस ले लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार इश्क गालिब आ गया। ये कुछ दिन ऐसे ही चलेगा, कॉल नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, फिर एक दिन अलविदा कह देगा, वो फिर भी जीत जाए। जमाल साहब आ चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। हाँ हाँ, मैसेज आया है। दोस्तों के साथ हूँ, बाद में बात करते हैं। उससे पूछो वो कहाँ है, हम भी वहाँ चलते हैं। इस तो पूरी खोज लगा कर रहेगी। तो क्या गलत है? पूछती हूँ। ये अब क्या है यार? भाई ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। वैसे इस वक्त कहाँ हो तुम? इस्माइल चाहो तो गेम छोड़ के चलते हैं। नहीं चलो चलो गेम स्टार्ट करते हैं। अब तुम लोग देखो मेरा शॉट, ये गया। हाँ नजर आई? आ गया जवाब। बताया उसने कहाँ है? मोहल्ले में स्नूकर खेल रहा है। हमें चलना चाहिए वहाँ। मेरा भी यही ख्याल है। अगर वो बता रहा है तो मेरे ख्याल से तुम्हें बुलाना चाह रहा होगा। और क्या बोलूँ मैं? क्या करूँ मैं? जाऊँ क्या? ये कोई पूछने वाली बात है? मतलब हमारे दरमियान थोड़ी लड़ाई है ना, दोस्त भी हैं, उसके क्या बात करूँगी। तो हम सभी तुम्हारे साथ चलते हैं, क्या बोलते हो तुम लोग? सच में आओगे तुम लोग भी? मैंने वो दरअसल कुछ काम करना है इसलिए। सिनान देखो इस वक्त हम यास्मीन को अकेला नहीं छोड़ते, उमर भी हमारे साथ चलेगा। मतलब जबरदस्ती नहीं किसी पर, लेकिन आओगे तो मजा आएगा। ठीक है चलो फिर आओ। अच्छा वाकई? हाँ चलते हैं, आओ चले चलते हैं। अरे वाह क्या बात है तुम लोगों की, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। शाबाश डैफी, क्या शॉट मारा है, कैसा दिया मेरी? बहुत आला निहान, आज हम इनको अपना गेम दिखाएंगे, इनको आज हराना है हमें। बिल्कुल। क्या मतलब है तुम दोनों का, मैं समझा नहीं। अल्लाह अल्लाह तुम्हें क्या है भाई, बॉल मेरी टेबल मेरी, निहान तुम करो। ठीक है जाने। एक्सक्यूज मी इस्माइल, सुनो तुम्हारा ध्यान कहाँ है बता तो दो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना तुम लोग तुम्हारा फोन तोड़ दूंगा मैं, समझे तुम? तुम्हारा ध्यान ना होने की वजह से हम हार रहे हैं। काश मेरी तबीयत ठीक होती तो खुद इनको आज हरा देता। अरे यार बस मैं एक मैसेज टाइप कर रहा था। हाँ तो अब मेरी बारी, देखना अब तुम। हाँ, देखते हैं। इस शॉट की अब नई ट्रिक दिखाता हूँ। देखो जरा बातें देखो। तुम्हारे लिए लड़कियों, फनकार। आहा। उम्मीद है अब आवाज थोड़ी कम हो जाएगी। आई आज तो हमने बहुत कुछ सीखा ना इस्माइल से। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, इनकी मेहरबानी है जो आज हमें यहाँ लाए। हाँ हाँ मेहरबानी इसकी यार, ये हमें यहाँ ले आया, इसने हमें इतना कुछ सिखाया।
कॉल कर दिया यार, मैंने हाथ लग गया मेरा। चलो सरदार साहब, अब तुम्हारी बारी। अरे यार, कम से कम एक शॉट तो सही मारो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना इस वक्त। हाँ हाँ, आया बड़ा बीमार है। हेलो, हाँ मैं पहुंच गई हूँ, बस गाड़ी पार्क कर रही हूँ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, फिर मुझे काम से भी जाना है। क्या? नहीं कुछ नहीं। तुम तो मुझे इस तरह से देखते हो जैसे तुमने कभी कोई लड़की देखी ही नहीं। प्यारी हो तुम इसलिए। पता है, पहले भी तुमने यही कहा था। मेरे कहने से पहले पता था तुम्हें? नहीं, अब ऐसा भी नहीं। क्या अब तुम कुछ नया बताना पसंद करोगे? हाँ, जब तुम बोर हो जाओगी। मैं बोर नहीं होती। शायद हो जाऊं। वैसे कब तक बैठेंगे हम यहाँ और कितनी करेंगे बातें? हो सकता है तुम्हारी अम्मी देख रही हूँ, इसलिए जितनी देर बैठ सकते हैं बैठ जाते हैं। कुछ मंगवा लेते हैं, क्या खाओगी? शुक्रिया, मुझे नहीं खाना, तुम्हें खाना है तो खा लो। ठीक है, मैं तो खाऊंगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ आइए प्लीज। चलो खेलना है तो खेलो भी यार। रुको, इसो शामदीद। ओहो, कैसा चल रहा है गेम? सोचा हम भी चल के देखते हैं। ओहो, अच्छा जी, आइए फिर आइए। क्या कहते हो उमर, खेल सकते हैं? नहीं सिनान, मुझे खेलना नहीं आता। आह, ये तो मुझे पता ही नहीं था, कितनी अजीब बात है ना। खैर कोई मसला नहीं है, हम सिखा देंगे आपको, मतलब भाई सिखा देंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिखा दूंगा। नयान तुम बस करो, अब क्या हुआ हुआ? अच्छा तो फिर क्या करना है? मेरा मतलब है टीम कैसे बनानी है, कैसे खेलना है। तो आप चार और हम चार, ठीक है ना? क्या असल में बैलेंस तो नहीं है ये, लेकिन देखते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ही जबरदस्त खेल लेते हैं दरअसल। हाँ देखते हैं, चलो शुरू करते हैं फिर। आइए। खाते रहोगे? खा लिया, कुछ मीठा खाना है अब, जब तक यहाँ बैठे हैं। बस भी करो, और कितना खाओगे तुम? तुम कितना खाते हो, तुम्हें पता भी है? हाँ, क्योंकि मुझे भूख ज्यादा लगती है। आए, शायद इसी काम के लिए अम्मी ने तुम्हें हायर किया है। नहीं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। हाँ, शायद इसीलिए तो तुम जी रहे हो। अच्छा ये बताओ, किस तरह से जिंदगी जीते हो? तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। बिना प्यार के भी कोई जीता है भला? मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, सिर्फ अपनी बात करो। अच्छा और कुछ बताओ ना। क्या बताऊँ? उसी के बारे में जिसको भुलाना चाहती हो लेकिन भुला नहीं पा रही।
सिनान, तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, ओके? सिनान मेरे लिए पर्सनल है, मैं उसके बारे में तुमसे बात नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, नहीं बताओ, मैं तो सिर्फ टाइम पास के लिए पूछ रहा था। वो मैं उसे बचपन से जानती हूँ, मतलब वो मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। उस इंसान की बात ही अलग है, मतलब उसकी अट्रैक्शन की वजह से लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। कुछ तो बात है उसमें। हाँ कोई तो मसला जरूर है उसमें। उफ, क्या मतलब तुम्हारा? यानी अगर उस शख्स से कोई लड़ रहा भी हो तो कोई तीसरा आकर उसी को सच्चा समझता है। वो एक ऐसा इंसान है, उसको कोई गलत समझ ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे मुताबिक ऐसा नहीं। हाँ, पर इस बार वो गलती पर है, लेकिन कोई उसकी गलती मानता ही नहीं और ना ही कोई मुझे समझ पा रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी अम्मी यहाँ है इसलिए किसकी तुम है? सच में कहाँ है? अभी नहीं देखो, इधर उधर हो सकता है तुम्हें देख रही हो। हाँ अच्छा, फिर आओ। सिनान? हाँ, मेरे अंदर कुदरती काबिलियत है और इससे पहले मैंने कभी खेला नहीं ना। उस तरफ से ओ ये नहीं हो सका, क्या कर सकते हैं? तुम जाओ डेफनी, अब चलो। Well done, Daphne. लगता है मेरी बारी आ गई।
दिल छोटा ना करो, सेट है। एक्सक्यूज मी प्लीज। कोई बात नहीं, परेशान ना हो, बेहतर होगा इंशाल्लाह। बहुत खूब मेरी जान। ये चीज नजर ना लग जाए, कहीं नजर नजर लग गई तो क्या? सही कह रही हूँ बेचा। शाबाश, अब मेरी बारी। आ जाओ। जबरदस्त, ये तुम्हारे लिए है मेरी जान। क्या बात है मेरी जान, ठीक है ठीक है। उमर तुम्हारी बारी। हाँ, क्या करना पड़ेगा पहले कोई बताए मुझे। वो ऐसे ही पोजीशन सेट करके स्टिक से बॉल को हिट करते हैं, बॉल खुद ब खुद चली जाएगी। ऐसे नहीं, देखो कितने जोर से पकड़ी, थोड़ा लूज करो उसे। ठीक है, हाथ में इस पर रखो, फिंगर्स यहाँ, खोलो खोलो थोड़ी खोलो, हाथ थोड़ा सा इधर रखो, बस 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 ऐसे ही रखो, हाँ इस तरह। बस बस इस तरह करके शॉट मार दो। ठीक है डेफनी, मैं समझ गया हूँ। गई क्या? वाह वाह क्या बात है। दोबारा खेलूं? हाँ हाँ खेलूं। ज्यादा नजरें मत घुमाओ, आंखें नोच दूंगी तुम्हारी। आखिर ये तुम क्या कह रही हो मेरी जान? अभी बताओ मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ देखो, इधर उधर नहीं, अब देखा तो अच्छा नहीं होगा। अरे रह गया यार। खैर है, सीख जाओगे वक्त के साथ साथ, मैं सिखा दूँगा। ए लड़की क्या देख रही हो? हाय अंदर जाएंगे ना। वैसे जगह तो काफी सुकून वाली लग रही है ये। हाय बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, चलो अंदर चलते हैं। चलो फिर। देखो वहाँ पर वो। हाँ ये यहाँ क्या कर रही? हाय देखो तो जरा, माशाल्लाह। हाय बाल तो देखो कितने प्यारे हैं, शर्म आ रही है वो। हाय अगर इस लड़के ने सोने का दिल चुरा लिया तो जबरदस्त, और ना चुराया तो हम बर्बाद तबाह। हाय नेहरो, चेहरा तो नजर ही नहीं आ रहा, मैं कुछ देखता तो उसको कोई पॉइंट देता ना। नेहरो वैसे ही क्या बातें कर रहे होंगे, क्या बताऊं। लड़की कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिससे हम इनकी बातें सुन सकें,
देखो तो जरा किस तरह से बातें कर रहे हैं। ओए पता नहीं मुझे, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, सही तरह खाना खाओ। हाँ अजीब तरीके से खाना खा रहे हो बदतमीज। हाय कुरेश, क्या वो डिवाइस लिप्स को रीच कर लेती है? उमर की लिप्स भी पढ़ लेगी वो? तो फिर क्या उमर का दिमाग पढ़ने की भी कोई डिवाइस होगी? हाँ बताओ मुझे। ए लड़की एक बात सुनो, तुमने इतने पतले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? सबको दिखाने के लिए ना? शादी करोगी क्या? बोलो शादी करोगी इससे? हाय कोरे बस छोड़ो ना, इन लोगों को खाना तो खाने दो। हाँ चलो। हाय हाय नेहरो, एक बात करनी थी, मुझे ये लड़का अच्छा नहीं लगा, एनर्जी नहीं है, अजीब सा लग रहा है ये। मेरी जान मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, इसकी कमर भी बहुत पतली है। लेकिन कोरे तुमने तो अभी तक चेहरा देखा ही नहीं। अरे कमर जैसी होगी चेहरा भी तो वैसे ही होगा ना, मुझे तो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। तुम देख लो बस, ऐसा लग रहा है जैसे इसका पेट खराब हो। मेरी जान सूदे हमारी बहुत प्यारे लड़के के काबिल है। हाय शायद प्यार की वजह से ऐसे देख रही हो कि कोरे। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, मुझे तो ये लड़का बुरा लगा, चलो चल के उनके खेल खराब करते हैं, अपनी बच्ची को बचाते हैं उससे। अरे किस से? अरे उसी मनुष्य शक्ल वाले लड़के से। अरे कोरे इस लड़के को हमने ढूंढा है भाई। हाँ ये भी ठीक है, इतने सारे लड़कों को जो देखना पड़ता है मुझे, मैं क्या करूँ, मैं भूल गया। हाय कोरे मैं तो ये कह रही हूँ कि जरा सा चेहरा इस तरफ कर ले, कितना खूबसूरत है, ये सारी लड़कियाँ इस पे मरती हैं। एक बार इधर तो देखे, पता तो चले क्या चीज है ये। हाय एक्सक्यूज मी, जरा इधर आइएगा, मीठे में जो स्पेशल हो लेकर आइए। जी सर। नेहरो ये मेरे बचपन के दोस्त से मिलता जुलता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड की फैमिली उसे लेकर कहीं बाहर चले गई। हाय मुझे इसे देख के कुछ कुछ हो रहा है, क्या करूं? हाय कोरे रुको। अल्लाह अच्छा सॉरी, वैसे मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। मैं स्ट्रेस में आ गई हूँ यार। इस तरह तो मैं भी खेल सकता हूँ लेकिन तुम। सिरान सर प्लीज आप चुप करेंगे? ध्यान से डेफ। उफ, चुप करो, मेरा हाथ कांप रहा है। वेरी बात ना। बहुत अच्छे डेफनी। थैंक यू। वाह मेरी दोस्त हम जीत गए। बहुत शुक्रिया मेरी जान। ब्रिलियंट। तो जीत आपकी हुई। शुक्रिया। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। वो मेरा मुबारकबाद डिस्टर्ब हो गया। शुक्रिया शुक्रिया सिनान सर। बहुत आला। थैंक यू। चलो फिर ये सब सेट कर दो, लड़कियों लाओ मुझे दो। बहुत अच्छा खेला, मुझे तुम पर फख्र है। भाई भाई। अच्छा खेल लेती हो। बहुत शुक्रिया। हैरान करती है मुझे। क्यों? गेम अच्छा लगा तुम्हारा। शुक्रिया। एक मिनट यार, तुम क्यों हैरान हो रहे हो? मैं किसी चीज में अच्छी हो सकती हूँ क्या? हो सकती हो। हाँ सब चीजों में अच्छी हूँ मैं, असिस्टेंट के तौर पर, रिलेशनशिप में भी, पुडिंग भी अच्छी बना लेती हूँ। लेकिन कन्विंस करने और यकीन दिलवाने में थोड़ी सी कमजोर हूँ मैं, मतलब किसी को यकीन नहीं करवा सकती। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, मतलब किसी को भरोसा नहीं मुझ पर। मेरे ख्याल में ऐसी ठीक है इस। हाँ क्यों? क्योंकि हम ज्यादा ठीक है, कम से कम खुश हूँ, सांस ले लेती हूँ, दिल में दर्द नहीं होता। अच्छा तुम्हें पता होगा, मुझे मिस नहीं किया क्या? सच कहूं मुझसे? मसला याद करने का नहीं यास्मीन, अभी मेरा जहन जगह पे नहीं, बहुत उलझा हुआ है। हाँ तो ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे बात करके मसला हल करने आई हूँ। नहीं अब बात करने का कोई फायदा नहीं, कोशिश करके देख लिया। प्लीज नहीं करो, सच कह रही हूँ, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ मैं तुमसे, तुमसे माफी भी मांग रही हूँ, और क्या करूँ मैं बताओ मुझे। ज्यादा जोर ना लगाओ, जबरदस्ती ना करो यास्मीन,
फ्लो के साथ चलते हैं, जाता है फिर रुकता है, पता चल जाएगा। मुझे माफ नहीं करोगे तुम? इस सवाल का वक्त नहीं है। लेट्स वेट, लेट्स सी। चलो दोस्तों, अब हार के बैठ मत जाओ, चलो उठो, वापसी का रास्ता पकड़ते हैं। चलो चलते हैं, देर हो रही है। बहुत शुक्रिया, इसको आज रात की याद में छुपा रहा हूँ, ये मैं रख रहा हूँ। यास्मीन, हम जा रहे हैं। मैं भी चलती हूँ। ठीक है, चलो। चलो, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा खेलते हैं आप, खुशी हुई आपसे मिलकर। गुड इवनिंग। किस तरफ से जाना है? उस तरफ है यास्मीन, यहां से। अरे इस तरफ से आ जाओ। गुड इवनिंग, ख्याल रखिएगा अपना, फिर मिलेंगे। सी यू अगेन। सी यू। चले गए, चले गए। यास्मीन, कितना मजा आया उन्हें हराने में। कैसा हराया ना, आज तो मजा ही आ गया। इसको देखा तो तुमने, कैसे रंग उड़ गए थे उसके, कैसी अजीब सी शक्ल हो गई। बहुत अच्छा खेला ना हम लोगों ने, मजा आया यार, जबरदस्त। हां मजा आया, बहुत मजा आया। इनकी जेलेसी से तो अल्लाह बचाए। मैं इसी वजह से तो तुमसे कहता हूँ कि औरतों को हमेशा हराते ही रहा करो, अगर एक बार हार गए तो तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूँगी। हाँ, बिल्कुल। मैं मजाक नहीं कर रहा तुमसे, समझे? इस्माइल, क्या हुआ यास्मीन के साथ? कुछ नहीं हुआ, वैसे अच्छा ही हुआ। कुछ रिलेशनशिप जहाँ रुके हों वहीं रुके अच्छे लगते हैं, बिना किसी शोर के। मैं ठीक हूं। सारी मेहनत पे पानी फिर गया। तुम ठीक तो हो ना कोरे? मत पूछो, बहुत बुरा हाल है मेरा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या करूं, बहुत अफसरदा हूं मैं। बहुत ज्यादा करीबी दोस्ती है क्या? बहुत ज्यादा। अरे तुम्हें पता है, वो इतना अच्छा गिटार बजाता था, इतना अच्छा गिटार बजाता था। उसके पास इतना अच्छा कुत्ता था, तुम देखती तो पागल हो जाती, तुम पागल हो जाती। हाय, क्यों चले गए वो बाहर के? पहले वो वहीं रहते थे ना। तो बाहर रहते थे? हाँ। हाय, वो लोग छुट्टियां मनाने आए थे यहाँ पे। हाय, उसके बाद हम इतने अच्छे दोस्त बन गए कि हमारी दोस्ती की मिसालें देने लगे। हाय मेरी जान, जवाब नहीं। या अल्लाह, यही दिन दिखाना बाकी रह गया था। तुम क्या देख रही हो? खाना खाओ। अच्छा, फिर उसके बाद नहीं मिले? नहीं ना मेरी जान, नहीं मिले। और फिर एकदम से सब कुछ खत्म हो गया। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो मेरे दिल पे जख्म छोड़ गया। जख्म मैं बता नहीं सकता, मैं कितना दुख महसूस कर रहा हूँ। अच्छा। अरे लड़की, तुम्हें बता नहीं सकता, उसकी फैमिली मुझसे इतनी जलती थी, इतनी दूर ले गई मुझसे, लेकिन मेरे प्यार में कमी नहीं रही आज तक। क्या करूं, बहुत याद आता है मुझे वो। हाय कुरेश, मेरी जान, तुम तो मुझे हैरान करते रहते हो। देखो ना, सूदे और एमन भी चले गए, उनको भी खो दिया हमने। हाय नेहरू, मेरा दोस्त भी मुझे याद करता होगा ना, मुझे खबरों में देखता होगा, टीवी पे देखता होगा। हाय अल्लाह, ऑपरेशन खराब हो गया सारा। हाय, इतना प्यार करता था मैं उससे, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। हाय हाय, नहीं नहीं कोरे, नहीं। देखो, मुझे अभी उमर और डेप्टी का मसला भी सॉल्व करना है, तुम्हारी जरूरत है मुझे डार्लिंग। कोरे, क्या हो गया? अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि कैसे तुमने उस लड़के को 7 साल के दोस्त से मिला दिया। मेरी जान, मेरा हाल बहुत बुरा है इस वक्त, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा चलो ठीक है। या अल्लाह, लड़की इतना सा खाना नहीं खाया जा रहा, मुझे दे दो। और क्या कोई चीज दूं तुम्हें मेरी जान? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। हाय मेरी जान, यहाँ से कुछ और ले लो ना। हाय, वो अपने कमरे में चला गया सर। या अल्लाह। Thank you.
यही है। देखो इसे पिक्चर से ज्यादा प्यारी लग रही है ना? हाँ इस बहुत प्यारी बनाई। हाँ बिल्कुल। हाँ तो क्या करना है इसके ऊपर? रुको रुको कुछ नहीं करना। पक्की बात है? हाँ। पर क्यों? वैसे ही। मतलब तुम पीछे हट रहे हो ना? ऐसी रहने दो, जगह तो खाली है। मेरे ख्याल में ऐसी ठीक है। ठीक है जैसा तुम कहो। वाह तौबा यार, 14 मिस कॉल्स हैं यार, 14। आई नरमीन मैडम ने भी कॉल की। नरमीन मैडम नाश्ता करना है जल्दी, देर हो गई है। मैं आपकी सर्वेंट नहीं हूँ, ये बात समझ गई आप? अरे मैं वो नहीं कह रही, हुलूसी बाबा के घर नाश्ते पे जाना है, समझ गई? लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, जल्दी पहुँचो। ओफ ओफ फिर से शुरू हो गई। अरे नजमी ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? फालतू बातें मत करो, सुबह से ये लड़की मुझसे लड़ रही है। आ, क्या हो गया बाबा, मैं क्यों लड़ूंगी आपसे? हाँ देखिए अम्मी। मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कर रही हो। हाँ मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। ओके ठीक है ठीक है, मैं जाऊंगा लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखा देखा आपने, ऐसे बदलते हैं ये। पहले तो कह रहे थे उमर बहुत अच्छा बच्चा है, फिर कहते हैं मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ तो करता हूँ तुमसे प्यार, आखिर तुम्हारा बाप हूँ मैं। मेरा नाश्ता तो हो गया। ठीक है अम्मी अब मैं दादा से कहूँगी कि मैं उनके पास शिफ्ट हो रही हूँ, शायद यही सही है, वरना ये बात ऐसे कभी खत्म नहीं होगी। शुक्रिया अम्मी जान, आज का नाश्ता तो बहुत अच्छा हो गया। सुधे तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? तुम्हारी नियत मेरा दिल तोड़ने या दुख देने की है क्या? अरे बस करो, बहुत हो गया। चलो नजमी हुलिया दुरुस्त करो, चेंज करो जाके। अपने बाबा से ऐसे बात नहीं करते, बुरी बात होती है। जाओ जाके तैयार हो, हमें पहले ही देर हो चुकी है, ये फैमिली का नाश्ता है, जल्दी करो ना नजमी, सारी बातें छोड़ो, चलो जाओ सूते जाओ ना डारे। मैंने कहा जल्दी करो। नहीं करो। नानी मैं जा रही हूँ यार। अरे कहाँ जा रही हो, तुमने भी नाश्ता भी नहीं किया है। पता नहीं क्या लड़की है ये, परेशान करके रख दिया। इस्माइल इस्माइल क्या हुआ डेफनी? इस्माइल मुझे जल्दी छोड़ के आओ यार। कंपनी में? नहीं एक और जगह। अच्छा लेकिन कार नहीं मेरे पास, क्या करूं अब मैं, क्या करूं अब मैं? रुको जरा एक दोस्त से मांग लेता हूँ, वेट करो जरा। अच्छा यार घर तो देखो, सच में बहुत ही कमाल है, मतलब बड़ी मछली है यार ये तो। मतलब मछली का अब पता चला? अरे नहीं मेरी जान, नरमीन मैडम का अब पता चला। वो तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें उमर के घर लेकर गया था? कैसे याद नहीं होगा यार, वो सही है।
मिला उस दिन से पहले। उस वक्त मैं जिंदा थी, कहाँ थी, कुछ भी याद नहीं है मुझे। खैर चलो मैं चलती हूँ। ठीक है। शुक्रिया इस्माइल तुमने छोड़ा। कोई बात नहीं। सी यू। बाय डेफनी। अरे डेफनी भी अभी तक नहीं आई है। वो क्यों? अरे तुम्हारे दादा से मुतारिफ करवाया था ना उमर की गर्लफ्रेंड के तौर पर। पर वो तो अलग हो गए। अरे चुप 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 रहना, एक वर्ड भी नहीं बोलना बिल्कुल भी, दादा को नहीं मालूम। अच्छा ना ठीक है अम्मी। ठीक है अंदर चलो, मैं भी आ रही हूँ। आए नरमी मैडम। रुक जाओ, पहले हमें बात करनी है। किस बारे में? खुफिया राज के लिए। क्या मतलब? देखो नाजमी को अभी तक हमारे गेम का कुछ भी नहीं मालूम, इसलिए उसको कुछ भी नहीं कहना। अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला ना तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी, याद रखना मेरी ये बात। पहले भी इसी वजह से नाजमी से मेरा ताल्लुक खराब हो चुका है। ठीक है आपकी बात को खराब नहीं करूंगी मैं। सूदे को भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम और बाबा ने हमें थोड़ा सा वक्त दे रखा है। उमर भी इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, अभी तक छुपी हुई है उससे ये बात। क्या लूसी बाबा ने आपको वक्त दे रखा है? हाँ, ये बात तो तुम्हें भी नहीं मालूम थी, लेकिन तुम्हारी तो खैर है। सारा मसला हुलूसी बाबा का है जिनसे सब कुछ हमने छुपा रखा है। उनको पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। तो अब सूदे से हुलूसी बाबा, नजमी से उमर और हुलूसी बाबा से सब कुछ छुपा रहे, समझ गई ना? या और समझाऊं तुम्हें? बोलो लड़की। मेरा दिमाग खराब कर दिया यार। अरे चुप हो जाओ ना, वैसे ही सब कुछ मिक्स अप हो गया है। मुझे क्या पता था कि काम यहाँ तक पहुँच जाएगा। हाँ मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। चलो अब जल्दी से सब वेट कर रहे हैं। और हाँ, जब तक मैं ना बोलूँ तुम कुछ नहीं बोलना, खामोश रहना, सिर्फ हाल चाल पूछना आप कैसे हैं। फिर खामोश हो जाना। नरमीन मैडम। हाँ। अगर वो लोग ऊपर अकेले हैं तो, यानी अगर अकेले हैं तो मतलब वो सब कुछ एक दूसरे को बता देंगे। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो वैसे, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती, तुम्हें ही करना होगा जो। अरे नहीं आप समझी नहीं, वो अंदर जिनको छोड़ रखा है वो एक दूसरे को ना बता दें कुछ। हाँ उसके बारे में ना सोचो। आज के दौर में हाफ तोला सोना कहाँ पता चलता है। अपनी हैसियत के मुताबिक काम करना चाहिए, कम से कम एक तोला सोना तो होना चाहिए, क्योंकि एक तोला सोना से अच्छा, आप जेवर। बस अब चुप हो जाओ सब। हाथ हो गए। क्या बात है मीने, नरमीन के साथ रह के तुम भी नरमीन जैसी होती जा रही हो, बोले चली जा रही हो। कहाँ से उठा कर लाए हो इसको? पता नहीं बाबा, हाँ एकदम से देखा तो कार में थी। हम आपस में बात नहीं करते लेकिन। लो सुनो। हम आ गए, देखे तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। मीने चलो। खुश आमदीद बेटा, खुश आमदीद। ना बुलाता तो तुमने नहीं आना था, इतना वक्त गुजर गया, मैं तो समझा था तुम भूल गई। चलिए ना नाश्ता करते हैं, बहुत भूख लगी है। चलो आ जाइए। आ जाओ बाबा जान। आइए चलो नजमी, चलो। गई मेरी जिंदगी गई। जी हाँ कोरे साहब, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इतने से दिन में क्या करोगे तुम? वैसे बड़े दुख की बात है, सैलाब की तरह वक्त गुजर रहा है, क्या कर सकते हैं। हाँ भाई क्या कर सकते हैं। अरे मैं तो उसे देख के शौक हो गया। हाय नेहरो ने देखा, इतना मिल रहा था कि क्या बताऊं। हाय बिल्कुल उसी की तरह था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका कोई जुड़वा वहां बैठा हो। हाय उसे तो पता भी नहीं होगा मैं उसे कितना याद कर रहा हूं इस वक्त। इधर देखो, सुन रहे हो या नहीं मेरी बात? हाँ, मैं बस थोड़ा सो गया था, अभी सुनाता हूँ तुम्हें। देखो ये तुम पे मारता हूँ, ये लो, अब सो कर दिखाओ मुझे, अब सो जाओ। अरे मेरा दिल टूटा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। नॉर्मली मेरा दिल टूटता नहीं है, मैं बहुत खुश रहता हूँ वैसे। डेफनी कैसी हो तुम? ठीक हूँ।
शुक्रिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। उमर कैसा है? ठीक है, ठीक, मतलब ठीक ही होगा। क्या मतलब होगा, ये कैसा जवाब है? इसका मतलब है कि अच्छा होगा, बहुत अच्छा। मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है ये हम सबके लिए सही रहेगा। क्या ख्याल है? आखिर क्या होगा सबके लिए अच्छा? मैं बताती हूँ बाबा जान, असल में ये कह रही है कि कोई शरारत ना हो तो सभी के लिए अच्छा होता है, है ना डेफनी? यही कहा था ना? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे चाय दो, मेरी चाय खत्म हो गई। जी जी बिल्कुल बाबा जान। मीने, तुम लेकर आओ, तुम जाओ। जी जी क्यों नहीं बाबा जान, मैं ले आती हूँ। आपको भी नौकरानी को रेस्ट देने का मौका मिल गया है। मैं ही ले आती हूँ। सुदेव, बात सुनिए, मैं क्या आपसे अलग होकर बात कर सकती हूँ, मतलब इन लोगों से अलग होकर, क्योंकि मुझे आपको कोई बात बतानी है। तुम जब चाहो हम दोनों अलग में बात कर सकते हैं। हाँ वो चाय आ गई बाबा जान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाओ। दादा जान, मैं आपके पास शिफ्ट होना चाहती हूँ। ठीक है। क्या ओके? क्या कोई इस बात की मुझसे इजाजत नहीं लेगा? मुझे अब इजाजत की जरूरत नहीं बाबा जान, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ये इसका हक है, तुम इस पर जोर नहीं दे सकते। बाबा मैं इसका बाप हूँ, हक है मुझे बात करने का, बल्कि सबसे ज्यादा हक है मेरा। हाँ हाँ बिल्कुल है। कितने सालों तुमने इसे अपने से दूर रखा, उस वक्त तुम्हें याद नहीं था कि तुम इसके बाप हो? ये वहाँ बिल्कुल अकेली थी। अरे 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 आराम से बात करें ना, गेस्ट आए हुए हैं, है ना? गेस्ट है घर में, प्लीज। नहीं, मैं खामोश नहीं हूँगी, आज ये बात होगी अम्मी, ये फैसला होके रहेगा। दादा आप तो कुछ बोले। नजमी बात मत बढ़ाओ। बात तो बढ़ेगी, इसको समझाएं। इजाजत नहीं दूंगा इसको यहाँ रुकने की, बाप हूँ मैं इसका, इसके बावजूद कुछ हुआ तो आप सब जिम्मेदार होंगे। चलो डेफनी चलें। अरे क्या हो गया? क्या? मैं? हाँ हाँ चलो। अरे नजमी कहाँ ले जा रहे हो लड़की को? हमें ऑफिस जाना है और ऑफिस जाके काम करना है। डेफनी चलो। माजरत, आप लोगों से माजरत है, लेकिन मुझे जाना होगा, दरअसल काम है, फिर मैं चलती हूँ। हो गया नाश्ता, हो गया। गुड डे, गुड डे। देखा तुमने? अरे बाबा जान क्या कहूँ मैं अब, ये डेफनी बहुत अच्छी लड़की है, उमर को खुश रखेगी। सही कह रहा हूँ मैं, लड़की से मिलना था मुझे, मिल भी लिया और देख भी लिया, शादी करीब है मतलब। जी जी बाबा जान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत अच्छे उमर, लड़की अच्छी ढूंढी है तुमने। जी दादा, और इंशाल्लाह उमर को भी इस बात का एहसास हो। इंशाल्लाह।